कांच की तरह कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे उसाई मुझे शहीर से शादी करने पे कोई एतराज नहीं लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये आपका फैसला है। अरे बेटा वाकई तुमने मेरे फैसले का मान रख के मुझे बड़ा बना दिया। समिया प्लीज आज किसी तरह भी तुम पहुंच जाओ, ये मौका हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा। देखो अगर कोर्ट मैरिज के लिए देर हो गई ना तुम लोग निकाह कर लेंगे और निकाह के फौरन बाद में तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा। अरे बेटा मुझे भी यही लग रहा था कि शायद वो मेरी बात ना माने लेकिन उसने मेरा फैसला मान लिया, मुझे बेहद खुशी है इस बात। वो आपको नहीं लगता ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है? हद होती है किसी बात की, तुम्हें कहती रही कि ठंडा करके खाओ आराम आराम से चलो मगर ना तुम्हें तो पता नहीं किस बात की जल्दी थी। अरे मैं पूछती हूँ कि अभी एक काम खत्म नहीं हुआ और दूसरे पे चल पड़े, अगर फंस जाते तो खूब धुलाई होती तुम्हारी। लेकिन फंसा तो नहीं ना, दोनों से बच के निकल आया ना। वैसे ही मुझे अब्बू की तरह यहाँ टाइम बर्बाद नहीं करना, दो चार लंबे हाथ मारूंगा और अमेरिका निकल जाऊंगा। मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि अल्लाह करे हम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले जाएं। अरे भाई ये काम जब यहाँ पे इतना है तो सोचो कि वहां पे कितना होगा। वैसे भी वहां के लोग तो दूसरों में शादियां करने के लिए तैयार है। तो बस फिर मुझे जल्दी करनी है, दो चार सीन एक साथ चलाता हूँ, लंबा हाथ मारता हूँ फिर निकलता है। मगर उस ततैया मिर्च को समझाओगे कैसे कि भाग के क्यों गए थे? कह दूंगा कि अचानक अम्मी का फोन आ गया, मैं तो तुम्हारे इंतजार कर रहा था लेकिन अम्मी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और मुझे फौरन जाना पड़ा। दोनों को यही कहोगे? जी तो दोनों से इस तरह कहूंगा कि उनके पास यकीन करने के अलावा कोई और चारा नहीं। वैसे एक बात है भाई, तुम अपने अब्बू से ज्यादा काबिल हो, को तो कुछ पता ही नहीं था, एक एक बात उनको समझानी पड़ती थी। तो फिर आप क्या करती थी? अरे भाई खुद संभालती थी। बल्कि सुनो एक बार क्या हुआ, एक होटल पे छापा मारा तो तुम्हारी नई अम्मी के साथ ना बैठे गप्पे मार रहे थे। क्या छापा मारा आपने? अरे तो और क्या, कि नई बीवियों को ये दिखाने के लिए कि भाई वो डर जाएं। बल्कि एक दफा तो यूं हुआ कि जब मैंने होटल पे छापा मारा ना तो तुम्हारे अब्बू ना तुम्हारी होने वाली नई अम्मी के पास बैठे ना बातें कर रहे थे। बस उसने जैसे ही मुझे देखा वो तो परेशान हो गई, लगी मेरी मिन्नतें तरले करने कि मैं तो आपकी बिल्कुल छोटी बहनों की तरह हूँ, मैं आपकी नौकर बन के रहूँगी, मुझे माफ कर दे, मेरा कोई कसूर नहीं। फिर आपने क्या किया? फिर क्या करना था, पहले तो मैं तुम्हारे अब्बू की बौखलाहट का ना मजा लेती रही, फिर थोड़ी देर के बाद तुम्हारी होने वाली अम्मी जो थी ना जब वो बेहोश हो गई ना तो फिर हमने अपना काम कर दिखाया, उसका 5 लाख रुपया और उसके जेवरात समेटे और वहां से घन चक्कर हो गए। बेचारी अब पता नहीं कहां मर कब गई होगी। लेकिन वो बात मैं आज तक नहीं भूल सकती। कैसे कैसे रह सका। बस आप उस दिन की कहानी को अच्छी तरह याद कर लें, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली यही करना है मेरे और समिया के साथ, लेकिन जब बात खुलेगी तब। अरे तुम बेफिक्र रहो, कहानी तो ऐसी ऐसी है मेरे पास, तुम सुनो ना तो कसम खुदा की दंग रह जाओगे। तुम्हारे अब्बू की जो 5-6 शादियां मैंने की है ना, तुम मुझसे पूछो कि पहले क्या क्या मापड़ में ले होंगे। इन सब में से यही आइडिया बेस्ट है, इसे लॉक कर दे। कर दी, ठीक है। चाय तो पिला दे। लाती हूँ, अच्छी बात।
वो और वसीम लोगों से मिलने गए कि मिलकर शायद कोई हल निकल जाए और किसी भी तरह से अब्बास जेल से बाहर आ जाए। अंकल इन सब लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, और ये लोग। चची कहाँ है, कहीं नहीं हुई? नहीं, वो अंदर अपनी फ्रेंड के साथ बैठी हुई है। अभी वो मुझसे कह रही थी कि मैं और अम्मी बाहर जाकर कुछ सामान ले आए। आंटी अभी तक घर नहीं आई? नहीं, और आज तो उन्हें बहुत टाइम लगेगा, पहले स्कूल, स्कूल से घर और फिर यहाँ। तो मैं आंटी को ले आता हूँ ना? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस आती होंगी। आज एक बहुत अजीब सी बात हुई, सोचा आपसे शेयर करूँ। हाँ। आज मैं और समिया मॉल गए थे और समिया वहाँ मुझे अचानक अकेले छोड़ के कहीं बाहर चली गई। मुझे उसकी फिक्र हुई, मुझे लगा कि वो कबीर से मिलने गई है। कबीर से? तुमने उसे देखा था? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैं जब बाहर गई तो समिया के पास से जो गाड़ी गुजरी वो बिल्कुल कबीर की गाड़ी जैसी थी। इसका मतलब उससे मिली थी? पता नहीं, मुझे तो यही लगता है। बाकी आप खुद ही देख लें। मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा, अम्मी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उनके साथ दो बार पहले भी ऐसा हो चुका है, क्या करूं? अपना ख्याल ही रखती हैं, बस उनको मेरी फिक्र पड़ी रहती है। पहले तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम बिला वजह परेशान हो जाओगी तो बाद में बता दूंगा। अभी तो तबीयत काफी बेहतर है, ड्रिप लगी हुई है। अपना ख्याल रखना तो अम्मी के लिए सबसे मुश्किल काम है। आगे से मैं कुछ कहता हूं तो कहती हैं बहू ले आओ, वो मेरा भी ख्याल रखेगी और इस घर का भी ख्याल रखेगी। लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम्हारे घर में ऑलरेडी बहुत सारे नौकर हैं, तो तुम काम वाम तो नहीं संभाल सकती? मेरी मोहब्बत क्या तुम्हें इतना बदल देगी? अम्मी को भी संभालोगी, इस घर को भी संभालोगी, मुझे भी संभालोगी, ये सब कर लोगी तुम? अच्छा, वो अम्मी आवाज दे रही है, मैं चलता हूँ। आई लव यू, बाय। बहुत कमीने हो वैसे तुम, माँ को इतना भी मार कर दिया उसके सामने। तो ये सब करना पड़ता है ना लड़कियों के साथ, इसी तरह तो इन सब के दिल पिघलते हैं। हाँ तो ऐसी दास्तानें सुनाओगे, लड़की तो पिघलेगी ना। तो फिर देख ले अपने बेटे को, आपके बेटे की मोहब्बत में नौकर बनने को तैयार है। इतने घर में नौकर है उसके, लेकिन फिर भी कह रही है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी अम्मा की खिदमत करूं। अरे उसके अपने घर में बहुत सारे नौकर हैं क्या? आपकी सोच है, नौकर नहीं, नौकरों की फौज है। हाय, ये लड़की पहले कहाँ थी? बस आप हर बार यही क्या करें। अरे पहले से याद आया कि पहली बारी को तो फोन करो, बेचारी अपना बैग वैग सब लेकर आ गई थी, उससे तो मुलाकात छोड़े, मेरा तो निकाह भी था उससे। अब इसको संभालो तो जानू, वो तो पैसों का भरा हुआ बैग लेके आई थी और खाली लेके वापस गई थी। बस एक बात याद रखना भाई, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आप मुझे हल्का ले रही हैं अम्मी, मेरे फन को मौका तो देके देखें, फिर देखें मैं क्या करता हूँ। ये हुई ना बात। वैसे भी उन लोगों का और हमारा कोई जोड़ी नहीं था, हम लोग तो समिया की जिद के आगे मजबूर थे, और जब खुलकर उनकी बातें सामने आ गई ना तो फिर हमने ये फैसला कर लिया। चलो अच्छा हुआ। अरे रुखसती से पहले ही उनकी असलियत सामने आ गई और तुम्हारे पास वक्त भी रहा। हाँ हाँ, कहाँ शहीद और कहाँ वो जाहिल गंवार। शहीद माशाल्लाह अमरीका से पढ़ा लिखा लड़का आया हुआ, एक अलग ही बात है उसकी। हाँ भाई, ग्रूमिंग तो नजर आती है। हाँ ये तो है, लेकिन बहुत तमीज़दार बाएख़लाक बच्चा है, रिश्तेदारों को समझने वाला, बाहर से पढ़कर आया लेकिन बहुत तहजीब याफ्ता है। मेरी मुलाकात हुई थी सोयम में उससे।
मैं उस दिन यही सोच रही थी कि घर में इतना अच्छा लड़का होते हुए तुम लोगों ने समिया का रिश्ता बाहर क्यों तय कर दिया। अरे भाई, कहा ना मैंने तुमसे कि हम समिया की जिद के आगे मजबूर थे, लेकिन भाई साहब ने उनकी बातें देखकर और उनकी हरकतें देखकर फैसला कर लिया। समिया तो अभी भी नहीं मान रही थी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि इससे अच्छा रिश्ता तुम्हें मिल नहीं सकता। उस बात का एहसास उसे भी हो गया है। आपसे भी मैं मिली थी सोयब में। जी जी, उस दिन मैं आपसे बात करना चाहती थी, मगर बस ना हो सकी बात। वो दरअसल उस दिन इतना काम था ना, तो मैं मसरूफ रही। हाँ वो तो है, आपने बताया था कि आप जॉब भी करती हैं। जी, मैं स्कूल की प्रिंसिपल। अरे वाह, जॉब के साथ साथ घर भी देखती हैं। जी। अच्छा, आपकी वैसे रिहाइश कहाँ पर है? जी, मैं मेहरान सोसाइटी में रहती हूँ। हाँ, यहाँ से करीब ही है। वहाँ पर कुछ ज्यादा छोटे घर नहीं है? जी हाँ, और वैसे भी मेरी फैमिली कौन सी इतनी बड़ी है, एक मैं और एक मेरी बेटी, इतना बड़ा घर लेके क्या करना है हमने। अब वो समीना, तुमने ड्राइवर से मस्जिद में खाना भिजवा दिया? ओ नहीं, वो तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे भाई, मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी, रोजाना मस्जिद में खाना जाता है, भेज देती। खैर, ड्राइवर से कहना कि रास्ते से जाता हुआ ना कुछ फ्रूट भी ले जाए। जी ठीक। अरे वो जो उस दिन सोयम में लड़की बैठी थी इनके साथ, वो इनकी बेटी है ना? वही जो बहुत बड़बड़ कर काम कर रही थी। हाँ हाँ, पर क्यों? वो दरअसल मेरे भाई है ना, वो अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। वही मेरा भतीजा, तुम जानती तो शहजाद। मैं उसी सिलसिले में इनकी लड़की को देखना चाह रही थी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे भाई की कोई डिमांड नहीं? अरे नहीं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है। उनकी अपने 4 शोरूम्स हैं गाड़ियों के, और दाल और चावल की एक्सपोर्ट का बिजनेस भी अलग से है। उन्हें तो बस शरीफ और नेक सीरत लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हैं? इतने बड़े होकर मेहरान सोसाइटी में बारात ले जाएंगे वो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो खुद बहुत सेल्फ मेड हैं। उन्हें तो सिर्फ लड़की की शराफत और खूबसूरती चाहिए, वरना अमीर दौलतमंद रिश्ते तो मैं कहीं दिखा देती। चलो ठीक है, मैं तुम्हें समीना से पूछकर बताऊंगी। मेरा ख्याल है कि वो अपने ससुराल में इंटरेस्टेड है अपनी बेटी का रिश्ता करने में, वरना मेरा ख्याल ये था, मैं सोच रही थी कि मैं अपने अरबाज के लिए उसका रिश्ता मांगूं। तो फिर क्या रिश्ता वगैरह देख लिया है उन लोगों ने? अरे जहाँ दिल मिल जाए वहाँ रिश्ता देखने की क्या जरूरत, और कहाँ देर लगती है फिर। और वैसे भी समीना का खिंचाव उसी तरफ ज्यादा है। अच्छा ना, आई एम सॉरी, लेकिन तुम खुद सोचो ना कबीर, कि मैं वहाँ सारा सामान लेकर खड़ी हुई थी और तुम चले गए थे, तो ऐसे हालात में गुस्सा ही आना था मुझे। मैंने तुम्हें वजह बताई तो है, तुम्हें अभी मेरी बात झूठी लगती है। अगर तुम्हें अभी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं तो तुम्हें वजह बताने का फायदा ही क्या? ऐसा नहीं है, आई डू ट्रस्ट यू, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर भी पूरा यकीन है। तो फिर बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा ये बताओ, आंटी की तबीयत कैसी है, हॉस्पिटल लेकर गई थी उन्हें? क्या बताऊं तुम्हें, अम्मी तो शदीद डिप्रेशन में। अच्छा तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं कैसे ठीक होगा सब, अम्मी मुझसे रोज पूछती हैं कि मैं फैमिली वालों को क्या जवाब दूंगी, सब रोज पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि शादी से इनकार कर दिया। और वैसे भी हमारे खानदान वाले तो बाहर शादी के खिलाफ थे, तो वो हमें जलील कर देंगे। शादी होगी कबीर, और जरूर होगी, फिर तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को खुद ही जवाब मिल जाएगा। कोर्ट मैरिज का वैसे अम्मी को पता तो नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन तो बात छुपानी होगी ना, और बाद में मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अच्छा बस अब फिक्र नहीं करो कबीर, एक बार हमारी शादी होगी तो हम दोनों आंटी को मिलकर अपने प्यार से ठीक कर लेंगे, फिर हमें ज्यादा देर तक उनसे ये बात नहीं छुपानी पड़ेगी। वैसे भी
तुम्हें पता है वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। फिर तो उनके पास कोई वजह ही नहीं होगी हमसे नाराज रहने की। लिसन, अगर आज का तुमने समीर से कांटेक्ट किया है उससे मिलने की कोशिश की, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं सकते। अगर अपनी जिंदगी प्यारी है ना, सो डोंट एवर कांटेक्ट। आज के बाद समीर से मिलने या बात करने की कोशिश ना करना, उससे दूर रहना। तुम्हें अकल कब आएगी? हाँ, कब अकल आएगी तुम्हें? ये वो शख्स है जिसके वजह से तुम्हारे बाप की जान गई है, पूरे खानदान की बेइज्जती हुई है, और तुम इससे बात कर रही हो? समिया, अगर तुमने अब भी इस लालची और घटिया इंसान से शादी कर ली, फिर अब्बू और चाची जान के सामने हमारी शादी के लिए हामी क्यों भरी? हाँ, आखिर तुम चाहती क्यों, क्या चाहती हो तुम? क्यों सारे खानदान की इज्जत से खेल रही हो? क्यों? क्यों खड़ी हो? जवाब दो मेरी बात का, क्या ड्रामेबाजी है ये? तो और मैं क्या करूं? तायब और अम्मी के सामने इनकार करूं तो वो मान लेंगे? उन्होंने हामी मुझसे जबरदस्ती भरवाई है, और मैं तो कबीर को सिर्फ इतना कह रही थी कि वो अपनी अम्मी की मर्जी से शादी कर ले, बस। तुम और तुम्हारे ड्रामे। जाहिल इंसान, इतनी भी तमीज़ नहीं है कि दूसरों की बातें नहीं सुनते, अपने काम से काम ही नहीं रखने होता। सारा फोन तोड़ दिया मेरा। रायमा, उठो चलो मेरे साथ। कहाँ? मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन अगर मैं एक मिनट और यहाँ रुका ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा। बस तुम चलो मेरे साथ। अरे लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? जहन्नुम में। तुम चल रही हो या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी को बता देती हूँ। आंटी को रास्ते से कॉल कर लेंगे। चलो शहीद, पहले बताएं तुझे कि हुआ क्या है, सब ठीक है ना? नहीं ठीक कुछ भी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि समिया मुझसे झूठ बोल रही है, घर वालों से या उस कबीर से। समिया के गुस्से से यही उम्मीद थी, और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि वो कबीर से मिली थी। रहना, मैं बेशक अमेरिका में रहा, लेकिन मैं इतना ब्रॉड माइंडेड नहीं हूँ, इतना आजाद ख्याल नहीं हूँ कि समिया जैसी लड़की से शादी करूँ जो शादी किसी और से कर रही है लेकिन प्यार मोहब्बत और मिलना जुलना किसी और से रखा हुआ है। आई कांट टेक इट, इट्स टू मच। लेकिन शहीद, अब आप कुछ नहीं कर सकते। वाह, अंकल शादी की तैयारियां कर रहे हैं, और अब आप क्या करेंगे? इनकार। मेरा दम घुट रहा है, तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? अच्छा मैं चल रही हूँ। अच्छे है ना? और समीना तुम इनको रख देना, निगत के कहने पर बनवाए थे उनकी पहनावनियों के लिए, शुक्र है कि बच गए। हाय हाय, कैसे कैसे तमाशे करवाए उन लोगों ने हमसे, हैं? ये करो, इसके जोड़े दिखावे करते करते थक गए हम। जान छुड़ी भाई, जान छुड़ी उनसे। अच्छा सीमी, दुखी मत हो, ये सोचे ना कि समिया का रिश्ता जिस जगह हुआ है कितने अच्छे लोग हैं। शहीर एक सुलझा और अच्छा लड़का है, हमेशा हमारी समिया को खुश रखेगा। ये तो है। आपको जैसा दामाद मिला है ना, हर माँ की ख्वाहिश और दुआ होती है कि उसे ऐसे ही दामाद मिले ताकि उसकी बेटी सदा खुश रहे। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। आपको तो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने इतना अच्छा लड़का दे दिया है। समीना,
ये जो तुम्हारी मोहब्बत और खलूस है कि तुम शहीर बेटे के बारे में ऐसा सोचती। शहीर वाकई में तारीफ का मुस्तहिक है, उसके दिल में रिश्तों की अहमियत है जो देखने के काबिल है। समीना, शहीर की बात तो अलग रही, माशाल्लाह रायमा भी बहुत सलीकामंद है। उसका खलूस, उसका प्यार, उसका अखलाक और किरदार वो भी किसी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें तुम्हारी तरबियत नजर आती है। बस भाई साहब, बेटियों का असल इम्तिहान तो उसके घर में होता है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, वो तो जिस घर में जाएगी उस घर को जन्नत बना दे। अरे छोड़े भाई साहब, इस वक्त सिर्फ आप अपनी बहू के बारे में सोचें। सच माने समिया ने इस वक्त जिस तरह समझदारी का सबूत दिया है ना, मुझे तो अपनी तरबियत पर बहुत फख्र होता है। वरना लड़कियां तो अपनी पसंद की शादी के लिए कितनी हदें पार कर लेती हैं, लेकिन मेरी समिया ने बहुत समझदारी का सबूत दिया है। कैसे फरमाबरदारी से सर झुका दिया। अखी, समिया ने तो फैसला सुना के मुझे हैरान कर दिया। मैं तो ये समझता था कि उसे समझाना पड़ेगा, लेकिन उसने मेरा मान रख के मुझे खुश कर दिया। अल्लाह उसका नसीब अच्छे करे। आमीन। अच्छा भाई साहब, वो मौलाना साहब आ गए जिनका आपको इंतजार था? हाँ हाँ, आज रात तक वो आ जाए। चले ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तो फिर आप निकाह की तारीख कब रख रहे? सिमी, तारीख का क्या करना, कल इंशाल्लाह शाम को हम निकाह कर देंगे। बस जैसे ही मौलवी साहब आएंगे, मुझसे तो एक लम्हा भी इंतजार नहीं किया जाए। आप लोगों की तैयारियां तो मुकम्मल है ना? जी हाँ, हमने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। अभी बात ही हो रही थी कि लड़की का इम्तिहान होता है शादी, लेकिन यहाँ समिया का नहीं, उसके साथ साथ मेरा भी इम्तिहान है। अच्छा मुझे इजाजत दो, क्योंकि मुझे ऑफिस से देर हो रही है, आप लोग गपशप करो। सिमी के पास ढेरों जेवर तो था ही, मगर समिया ने नए सेट बनवाए हैं अपने लिए अपनी जिद में आके। वो सब भी अगर मिला लेना तो कम से कम 1.5 करोड़ का तो बिकेगा। आप समिया से निकाह के लिए इनकार मत कीजिए। ये जानते हुए भी कि उसकी जिंदगी में कोई और है। कहाँ जा रही हो बेटा? वो मैं पार्क में वॉक करने। वॉक करने इस ड्रेस में? अरे तुम तो खुद लोगों का मजाक उड़ाती हो, जो लोग ट्रैक सूट नहीं पहनते, आज खुद ही ऐसे जा रही हो।